ओम शांति। आज 15 जून 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, ये कॉलेज की विशेषता क्या है? दुनिया की कॉलेज और ये कॉलेज में अंतर क्या है? दुनिया की कॉलेज में कोई मनुष्य टीचर या गुरु बनकर पढ़ाते हैं। बाबा कहे, इस कॉलेज में कोई मनुष्य टीचर या गुरु बनकर के नहीं पढ़ाते, लेकिन स्वयं भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। दूसरी विशेषता कि पढ़ाने वाला विचित्र है, अर्थात जिन्हें अपना शरीर नहीं है। दुनिया की कॉलेजों में पढ़ाने वाले को अपना चित्र है। और तीसरी विशेषता है कि इस कॉलेज में पढ़ने वाला हर कोई अपने 21 जन्म की तकदीर बना देता है या तकदीर जगा देता है। दुनिया की कॉलेजों में पढ़ने वाला एक जन्म की तकदीर जगा सकता, 21 जन्म की नहीं। तो बाबा कहे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इससे सोई हुई तकदीर जग जाती है, तो तुम बच्चों को पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। तो सुनते हैं आज के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। उत्तर, यही एक कॉलेज है जहां कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। यह ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की ही तकदीर बनती है, इससे 21 जन्म की बनती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जो यहां तकदीर बनाने आए हैं, क्योंकि तकदीर को क्या हुआ है? बाबा कहे, तकदीर बनाने आए हैं, उनको बाबा समझाते, क्यों तकदीर को क्या हुआ है? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक है, तो तकदीर उजाई हुई है। ये कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है वही समझा रहे हैं। सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है, यह दुखधाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, सबकी तकदीर जगी हुई थी, अब तकदीर सोई हुई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचयिता है। अब तुम जानते हो, भारत में सब मनुष्य सुखी थे। एक समय था जब भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं, सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला है
ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाग। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, बाबा स्त्री को जन्म नहीं देता, एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री है। फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, वह है क्रिएटर, स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराए घर की थी, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे उनको माता पिता कहते हैं, अब वह है हद के माता पिता। इतनी अच्छी तरह से बाबा हद का एग्जाम्पल दे करके बेहद की बात सुनाते हैं। बाप कन्या की शादी कराते हैं, पहले कन्या पवित्र है तो कितना मान होता है, फिर विकारी बनने से वह मान नहीं रहता। कहते हैं कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते हैं कि यह जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, यह इस समय भारतवासियों का 21 जन्म के लिए उद्धार करती है। ये सब कुमारियां हैं, बल शादी की हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो भाई बहन हो गए ना। काम कटारी चला नहीं सकते, पवित्रता का मान तो है ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान है ना। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। असल धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। तो बाबा कहे तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़ी कहेंगे, धर्म तो क्रिश्चियन है। हिंदुस्तान में रहने वालों का हिंदू धर्म नहीं है, धर्म तो और होना चाहिए। बाप समझाते हैं जो देवी देवता धर्म वाले थे वे ही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहां तो किसको भी ये पता ही नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा हम सिख धर्म का हूं। सिख धर्म किसने स्थापन किया तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया यह फिर तुम जानते हो। गुरु नानक ने यह धर्म कैसे स्थापन किया वो बाबा कहे तुम जानते हो। कोई भी पतितात्मा धर्म स्थापन कर न सके, कोई भी पतितात्मा धर्म स्थापन कर न सके। जो जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे तो अपवित्र थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। यह ब्रह्मा का भी पतित शरीर है। कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हुए कैसे शिव बाबा की प्रवेशता होती है वो बाबा समझाते हैं। ये ब्रह्मा का भी पतित शरीर है तो उनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है। ये आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है, जैसे कोई कहते हैं मैं मर्चेंट हूं, ये आत्मा ने इस ऑर्गन्स द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए।
बाप बैठ समझाते हैं, मैं हूं तुम आत्माओं का बाप, मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, मेरा अवतरण भारत में ही होता है, यादगार में शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं हूं स्टार, जैसे आत्मा स्टार है, आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती, चमकता है ब्रुकुटी के बीच अजब सितारा, आत्मा बहुत छोटी है। लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद होता है। अभी कितने करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, बाबा कहे अभी कितने करोड़ों आत्माएं हैं, सतयुग में इतने शरीरधारी आत्माएं नहीं होगी। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरबों हो जाती, करोड़ भी नहीं अरबों हो जाती, इतने तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि यह कोई साधु संन्यासी नहीं, ये तो बाप समझाते हैं, इस बाप का कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप था, देहत का बाप कहते हैं, मेरा कोई बाप नहीं, न टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा, हमारा कोई टीचर नहीं है। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता, मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा। शिव बाबा कहते मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे, वह निराकार बाप इस शरीर में विराजमान को पढ़ाते हैं आत्माओं। हम आत्माएं पढ़ती है, वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहां होता नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा से तकदीर बनाने आए। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे टीचर बनेंगे। यहां तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हैं, तो एक जन्म की बात नहीं, बाबा कहे यहां तुम 21 जन्म के लिए तकदीर बनाते हो। वह तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए, स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा, तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, ये नहीं एक जन्म पढ़ाई किया तो जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे, नहीं, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वह है शरीर निर्वाह अर्थ धंधा एक जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता। ये बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं, बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम हमारे कल्प पहले थे, अभी फिर बने हो। यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तकदीर बनाते हैं, वह होती है हद की, यह है बेहद की तकदीर।
ये स्कूल है, सत्संग नहीं। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, बाबा तो नॉलेजफुल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूं, यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह है मोस्ट बिलवेड पा, जिसको सब याद करते हैं, इस पतित दुनिया में आओ, आकर हमको सुख घनेरे दो, तो मात पिता हम बालक तेरे। अब सन्मुख आकर बच्चे बने, वह है विचित्र, श्री बाबा को कोई अपना चित्र नहीं है, उनका कोई चित्र शरीर नहीं है, परंतु चित्र के आधार बिगर शिक्षा कैसे देवे। इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते। लिखा हुआ है भगवान वाच, वह है निराकार, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा मिल नहीं सकता, देवताओं से कोई वर्षा मिल नहीं सकता, तो फिर मनुष्य मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते। तो इन बातों को कोई समझ न सके, यह है गॉड फादरली कॉलेज, भगवान पढ़ाते। बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता, ऐसे और कोई कह न सके। सन्यासी है ये निवृत्ति मार्ग के, सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। अब मैं फिर आया हूं इसलिए पतितों को पावन बनाने, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है फिर जेवर खाद वाला बनता है। सोने में अगर खाद पड़ती तो फिर जेवर खाद वाला बनता है, आत्मा में भी खाद पड़ती है तो आयरन एजेड हो गई है। बाबा जेवर का मिसाल देकर के कैसे आत्मा की बात को भी स्पष्ट करती, आत्मा में भी खाद पड़ती है तो आयरन एजेड बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान है, फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बने, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक की तो बात नहीं, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब शाम बन गई है। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए। शाम क्यों बन गए? क्योंकि रोगी बन गए। तुम जानते हो हम सुपूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया है, देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, हम कंगाल दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत सिरताज था, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को जानते ही नहीं, यह तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसकी? यादव और कौरव की, जो बाप को नहीं जानते हैं। भगवान वाच, तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अभी जग चुकी है, तकदीर बन जाने की ये पढ़ाई है। बाबा कहे तकदीर बन जाने की ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो कौन बनाएगा,
स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। नर्कवासी माया बनाती है। तुम गाते हो, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़ता है। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में। भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़ता तो अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में। भारत उनका घर है ना। शिवरात्रि भी यहां मनाते हैं, मंदिर भी यहां बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोम रस भी कहते हैं। गोल्डन एजेट बनाने लिए नॉलेज देते हैं। तो नाम सोमनाथ पड़ा है, बाबा का नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है, तुमको इस समय तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कहां बैठकर पढ़ते हो? यह तो बड़े ते बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है, तुम मिड गेट हो। कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा। आत्मा बोलती है शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा। तुम मिड गेट हुआ ना, बोलता है मैं आपका बना हूं। अच्छा अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं, समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है। लेकिन यह उन्हों का मीठा ब्रह्म है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती है, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है, उनका पाठ बजाते ही रहना है। बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये दादा भी भल शास्त्र आदि पढ़े हुए थे परंतु मुझे नहीं जानते। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा इतने शास्त्र पढ़े थे परंतु मुझे नहीं जानते थे, अब इनको ही मैं सुनाता हूं, अब इनको भी सुनाता हूं। इनकी आत्मा सुनती है, मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूं, उनको पढ़ाता हूं, यह भी सुनता है। इनके मुख से ही पढ़ाता, तुमको देही अभिमानी बनाता। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले मुआफिक सन्यासी आदि को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे। भारत के सन्यासियों को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे। यहां कोई शास्त्र की बात नहीं। बाप को क्या याद आएगा? बाप को क्या याद आएगा? वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंडफादर है निराकार। शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार। ये साकार फादर फादर भी है तो मदर भी है। ब्रह्मा बाबा साकार फादर फादर भी है तो मदर भी है। इनसे तुमको एडॉप्ट करते हैं शिव बाबा, इनसे हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर
21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल प्राक दिल भव। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल प्राक दिल भव। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी नाउम्मीद नहीं बन। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कोई कैसा भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने। सदा ही उम्मीद रखी तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बन। दिल शाह बनो, शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बन। आज का स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। अच्छा, ओम। क्लिक हियर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस।